इस समय पूरे देश में हर कोई जानना चाहता है कि इंदौर में कोरोना वायरस के इतने तेजी से फैलने की वजह क्या है और इंदौर इस समय देश में चर्चित क्यों है। मेरा यह मानना है कि इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय विमानतल होने की वजह से दुबई और इंदौर एक नियमित फ्लाइट यहाँ पर चलती है। जिन दिनों में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला उस समय भारत और मध्य प्रदेश दोनों ही सरकारों ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की थी कि विदेश से आने वाली जो फ्लाइट हैं उसके यात्रियों की किस तरह से जांच करना है। तो ये लगभग 20 से 25 दिन तक सिलसिला चलता रहा और तो मुझे लगता है कि इस दौरान कुछ यात्री संक्रमित होकर इंदौर आए और उन्होंने संक्रमण को फैलाया। और जब भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करी, जब तक आपको स्मरण होगा कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक का दौर बिल्कुल जारी था तेजी से और उसमें भी कुछ विलंब हुआ, तो ये एक बड़ी वजह रही कि सरकार की तरफ से एक उदासीनता रही और प्राथमिकता कुछ और रही। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत इस वजह से हुई। दूसरी वजह रही कि इंदौर में एक खास समुदाय के लोगों ने इस बीमारी को शुरू से ही नज़रअंदाज किया। उन्होंने ये माना कि उनके अल्लाह जो हैं वो सब खैर ख्वाह करेंगे और कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो इस बात पे यकीन नहीं करेगा उसको नुकसान होगा। तो ये एक अंधविश्वास ने भी काफ़ी हद तक नुकसान किया और यही वजह है कि आज कोरोना के जितने भी लोग कालकलवित हुए हैं या इस समय अस्पताल में दाखिल है उसमें 75% संख्या इस समुदाय की है। तीसरा, प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर किया गया। लोकेश जाटव सचिव थे, उनकी जगह मनीष सिंह को इंदौर भेजा गया और दोनों अधिकारी की कार्यशैली भिन्न भिन्न तरीके थी और जिसकी वजह से भी मुझे लगता है कि 5-7 दिन का एक अंतराल और बढ़ा। तो ये दो तीन खास वजह थी कि जिसके कारण इंदौर में तेजी से संक्रमण फैला और आज भी फैल रहा है। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि भले ही आज काफ़ी सख्ती है और लॉकडाउन में लगभग 1 महीना होने को आया है और 1 भी दिन छूट नहीं मिली है, उसके बावजूद भी इंदौर की घनी बस्तियों में, इंदौर की अल्पसंख्यक बस्तियों में, इंदौर की गरीब बस्तियों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोग समझने को तैयार नहीं है कि भाई करीब आने से ये बीमारी बढ़ती है, लेकिन लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थ, समय कैसे पास करें, बाहर सब्जी लेने जाना है, दूध लेने जाना है, शाम को बाहर होटलों पर बैठना है, इन सब चीज़ों को करने में इस बीमारी को बढ़ा रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें दूर रहने से ही इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। तो मुझे लगता है कि यही वजह है कि आज इंदौर में लगभग 1,000 लोग इससे संक्रमित हैं और 50 से अधिक लोग मौत के द्वार पर चले गए हैं। इसके बावजूद भी आज इंदौर में कोई ऐसा दहशत का माहौल नहीं है, कोई डरता नहीं है। लोग 5-10 हज़ार लोग रोज़ सड़कों पर अलग अलग तरीके से निकलते हुए दिख जाते हैं। रोज़ 300 से 400 लोगों को गिरफ्तार पुलिस कर रही है लॉकडाउन का उल्लंघन करने में। इसके बावजूद भी आज की तारीख में भी बहुत हल्के से लोग इस बीमारी को ले रहे हैं और लॉकडाउन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक वजह इंदौर में कोरोना फैलने की यह है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है स्क्रीनिंग की, उसमें कहीं ना कहीं बहुत विलंब हुआ है। हम भीलवाड़ा की बात करते हैं कि भीलवाड़ा में कैसे काबू पा लिया गया। लगभग वहाँ पर दावा किया जाता है कि 22 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। मैं दावे में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, वहाँ पर हर घर घर में स्क्रीनिंग हुई है और इंदौर में अभी ये स्क्रीनिंग को शुरू हुए 1 सप्ताह हुआ है और इसको लेके भी आंकड़े भिन्न भिन्न तरीके के आ रहे हैं। कोई अधिकारी 2 लाख कहता है, कोई 4 लाख कहता है, मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, इंदौर के अधिकारी कुछ और कहते हैं। बहरहाल, भले ही धीमे हैं लेकिन ये स्क्रीनिंग का दौर चालू हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले 1 सप्ताह में लगभग 10-12 लाख लोगों की स्क्रीनिंग कर ली जाएगी। इंदौर में एक दुखद पहलू ये भी है कि लोग स्क्रीनिंग में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। 2-3 घटनाएं हमले की हो चुकी है, जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है या और आंगनवाड़ी या दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनसे लोग चिढ़ के बात करते हैं, उनको सहयोग नहीं करते हैं, जबकि सिर्फ ये पूछा जाता है कि
आपके घर में कितने सदस्य हैं और कोई संक्रमित तो नहीं है या अन्य बीमारी तो नहीं है, लेकिन लोग ये सामान्य जानकारी देने में भी कई बार हेजिटेशन करते हैं और दो तीन घटनाएं हमारे सामने आ चुकी है जिसमें इंदौर को काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है इंदौर को लेकर। केंद्र सरकार लगातार इंदौर पर नज़र बनाए हुए हैं और आज ही केंद्र ने एक दल गठित किया है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए बना है। उनके कुछ अधिकारियों ने आज इंदौर में बैठक करी है। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मामला अधिकारियों के हाथ से निकल रहा है, इसलिए केंद्र सरकार ने ये विशेष दल गठित किया है और आज से उस दल के लोगों ने अलग अलग मुद्दों पर कसावट करना शुरू की है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, चूंकि अब केंद्र सरकार की सीधी नज़र इंदौर पर है, तो मुझे लगता है कि हालात कुछ सुधरेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इंदौर की जनता अपने स्तर से जितना सहयोग हो सकता है कर रही है। इंदौर में बड़ी संख्या में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन जो हैं वो लगभग 20 से 30 हज़ार भोजन के पैकेट इंदौर के ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को दे रहे हैं, और साथ ही इंदौर नगर निगम भी 15 से 20 हज़ार राशन के पैकेट रोजाना बांट रही है। तो लोगों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। बस जनता से ये अपेक्षा है कि वे अपने घरों में रहे और सुरक्षित रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।